किसी कमजोर को, हर किसी के पास उसके अधिकार हो और अपने अधिकार के बारे में बोलने का उसे फ्रीडम मिले, और सभी लोग प्यार से रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करके रहें, एक अच्छा राज्य जिसका नाम है राम राज्य। सर मेरा सवाल, सर मेरा सवाल है कि फिल्म का जो टाइटल है, क्या राम राज्य वॉज द फाइनल टाइटल या इससे पहले ही कोई और टाइटल भी सोचा गया था, कि राम राज्य टाइटल क्यों रखा गया इस फिल्म का? एक्चुअली जब मैं इस फिल्म से ज्वाइन हुआ हूँ तब से इसका नाम राम राज्य ही था, और मुझे ऐसा लगता है राम राज्य बहुत सही नाम भी है इस फिल्म के लिए, क्योंकि हमारी फिल्म ये दिखा रही है कि जो चल रहा है उसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर वो एक बेहतर बन जाता है, एक वो देश या राज्य या शहर या आपका मोहल्ला कुछ भी, अगर वो बेहतर बन जाता है, मतलब कि वो एक राम राज्य की छवि आपके सामने लेकर आ रहा है। सो आई मीन राम राज्य इज नाइस नेम फॉर दिस वन, और उसके पहले की कोई हिस्ट्री रही हो तो फिर वो हमारे राइटर साहब बता पाएंगे आपको। सर दिस इज डिंपल भारद्वाज फ्रॉम क्विक न्यूज। मेरा सवाल ये है कि अभी हाल फिलहाल में जितने भी मूवीज आ रही हैं, हम टाइटल अगर देखते हैं तो कुछ ना कुछ हिंदुत्व उसके अंदर नजर आ रहा है। हम राम सेतु की बात करते हैं या रामायण की बात करते हैं या आपका राम राज्य बात है, आदि पुरुष की बात हो गई, सभी हिंदू टाइटल्स के ऊपर मूवीज आ रही हैं। क्या ये एक भय है हिंदुत्व के ऊपर, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी बॉयकॉट स्टार्ट हो जाता है, क्या इसका भी इफेक्ट रहा टाइटल को सिलेक्ट करने में? हेलो, आपका सवाल आज के संदर्भ में बहुत सही है। ये सवाल वाकई सब जगह उठ रहा है और सबके मन में भी उठ रहा है, क्यों राम का नाम लेकर के लोग पिक्चर बना रहे हैं, सवाल ये उठता है क्यों। और इसका क्रिटिक्स ये है कि राम का नाम का इस्तेमाल हो रहा है आजकल बॉलीवुड में, पहले पॉलिटिशियंस के जुबान पे राम चढ़े थे, आज बॉलीवुड में राम चढ़ गए, शायद ये वजह कुछ हो ऐसा। आपको बता दें, राम जी का पूरे जीवन में, राम जी के जैसे रामायण लिखा गया तो रामायण अलग है और रामचरितमानस अलग है, तो हम लोगों ने रामचरितमानस को तुलसीकृत, जो रामचरितमानस है, कैरेक्टर ऑफ राम को डिपिक्ट करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा क्या थे, लोगों को समाज में उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, और अगर हम राजा रामचंद्र के कैरेक्टर को फॉलो करेंगे नेचुरली सब जगह राम राज जैसा माहौल स्थापित हो जाएगा देश में,